गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का एसिड बेसिस सॉल्ट, क्लास टेंथ का, मोर अबाउट सॉल्ट्स। सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे जो इस कंपाउंड के बने हुए हैं। तो प्रीवियस सेक्शन में हमने फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट पढ़ा था बड़ी रिएक्शन से, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जैसे एक्टिविटी दी हुई है, राइट द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट गिवन बिलो। सॉल्ट का नाम लिखो, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, इनमें से कोई भी। आइडेंटिफाई करो एसिड या बेस है इनमें से कौन सा और सॉल्ट कौन सा है। तो सॉल्ट जो होता है न्यूट्रल होता है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होते हैं, जैसे NaCl, Na2SO4 ये सॉल्ट है सोडियम के। सिमिलरली NaCl, KCl जो बिलोंग करते हैं फैमिली को, क्लोराइड सॉल्ट को। अब है पीएच ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की पीएच। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल, आपको सॉल्ट सैंपल निकालने हैं, उनकी पीएच देखनी है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और न्यूट्रल। अगर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बनाया जाए तो न्यूट्रल होता है, उसकी पीएच जो कि 7 होगी। और सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का होगा वो एसिडिक होगा, इसकी पीएच लेस देन 7 होगी। और सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का होगा वो बेसिक होगा, उसकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी। अब है कॉमन सॉल्ट पहला, तो ये हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला के बनता है, जिसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ये हम खाने में यूज़ करते हैं और ये न्यूट्रल है। सी वाटर में क्या है, ये पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड जो है सेपरेट किया जाता है सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड अलग किया जाता है सॉल्ट में। डिपोजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ वर्ल्ड, ये बहुत जगह पाया जाता है। दिस लार्ज क्रिस्टल ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटी, ये पहले ब्राउन होता है क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, इसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। बेड ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायगॉन एज ड्राइड अप, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ इकट्ठी होती तब ये बनता है। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल, रॉक सॉल्ट को भी वैसे साफ किया जाता है जैसे कोल को। तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की थी, आपने पढ़ा होगा कि वो नमक के लिए की थी। सोडियम क्लोराइड जो है वो इम्पोर्टेंट सिंबल है हमारी स्ट्रगल का, जो फ्रीडम के लिए। कॉमन सॉल्ट जो है रॉ मटेरियल है केमिकल्स के लिए। कॉमन सॉल्ट जो ऑब्टेंड होता है रॉ मटेरियल हमारे यूज़ में होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने के लिए। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बहुत सारे सॉल्ट हैं, अब उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब करंट पास की जाती है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के, तो ये डिकम्पोज होता है और बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे बोलते हैं प्रोसेस का कोर अल्कली प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्या बनता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन बनता है, और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है, अल्कली। उसके बाद क्लोरीन गैस जो इसमें रिमूव होती है वो एनोड पे जाती है और हाइड्रोजन गैस के थोड़ पे जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो वो बनता है नियर कैथोड। तीन प्रोडक्ट बनते हैं इस प्रोसेस में जो यूजफुल हैं। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, तो ये पहले भी हमने पढ़ा है। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो द क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। अगर सोडियम क्लोराइड की क्या करें, इलेक्ट्रोलिसिस करें, तो हमें सोडियम क्लोरीन मिलता है। दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर, और वो किसको बनाने काम आती है, ब्लीचिंग पाउडर को। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर जो प्रोड्यूस होता है क्लोरीन का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मिला के, तो हमें क्या ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, साथ में वाटर मिलता है। इसका यूज़ क्या है, ये यूज़ होता है कॉटन को कलर करने में, कलर नहीं कलर मतलब उड़ाने में, और लाइनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन वाटर पेपर फैक्ट्रीज। ब्लीचिंग वुड पल्प और पेपर फैक्ट्रीज में भी होता है, और वो क्लोथ्स में भी, लॉन्ड्री में इसको ब्लीचिंग के लिए यूज़ करते हैं। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत सी चीज़ों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है केमिकल इंडस्ट्री में, और एज ए डिसइंफेक्टेंट है पानी को साफ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3। तो सोडा कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा एंड बेकिंग सोडा, इससे पकौड़ा बनाते हैं, किचन में यूज़ करते हैं। समटाइम ये ऐड किया जाता है ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए खाने की। केमिकल नेम जो इस कंपाउंड का है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो ये कैसे बनता है, अगर हम NaCl में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया डालें तो अमोनियम क्लोराइड साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। तो अगर इसको हम हीट करें तो वापस हमें सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। तो यूज़ क्या है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज मिक्सचर ऑफ, जो किसका मिक्सचर है, बेकिंग सोडा और एडिबल माइल्ड एडिबल एसिड, कुछ एसिड की स्टार्टरिक एसिड का। तो बेकिंग पाउडर को अगर हम हीट करें वाटर में तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलेगा, साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में वो हम यूज़ कर सकते हैं ब्रेड को बेक करने में, ब्रेड और केक को, मतलब जैसे राइस करते हैं, स्पंजी बनाते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है एक इंटीग्रेंट है, एंटीसिड मतलब एसिड, एसिडिटी को ख़त्म करता है।
ये बेसिक है, ये न्यूट्रलाइज करता है एसिड को स्टोमक में और हमें आराम प्रोवाइड करता है। ये आग बुझाने में भी काम आता है। वॉशिंग सोडा अनदर केमिकल है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड से बनता है, जो है Na2CO3 10 times वाटर। तो इसे वॉशिंग सोडा बोलते हैं। और सोडियम कार्बोनेट भी ये बनता है, अगर हम सोडियम कार्बोनेट में 10 times वाटर डालें तो 10 sodium कार्बोनेट बन जाता है। तो यहाँ पे 10 times वाटर, इसका मतलब ये क्या है, एक्वस है, हाइड्रेटेड है। यूज़ क्या है इसका, ये ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है बनाने में, सोडियम कंपाउंड बनाने में यूज़ होता है, जैसे बोरेक्स। क्लीनिंग एजेंट है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, घर में कपड़े धोने के काम आता है। हार्डनेस पानी की निकालता है। तो उन्होंने बोला और द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, क्या क्रिस्टल जो सॉल्ट कहते हैं वो ड्राई होते हैं। हीट अ फ्यू क्रिस्टल कॉपर सल्फेट इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, अगर हम क्रिस्टल कॉपर सल्फेट को बॉइलिंग ट्यूब में डालें, व्हाट द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद क्या ऐसा हो जाएगा, पहले उसका ब्लू होता है फिर वाइट हो जाता है, क्योंकि उसमें हाइड्रेशन जो पानी होता है वो निकल जाता है। अगर हम फिर से वैसे पानी डाल दें तो वो फिर से ब्लू हो जाएगा। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो होते हैं, जो हमें ड्राई दिखते हैं, उसमें वाटर होता है जिसे वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर हम इसको हीट करें तो ये वाटर निकल जाता है और वो वाइट हो जाता है सॉल्ट। अगर आप उसको फिर से करोगे तो वो ब्लू कलर का फिर से हो जाएगा, क्योंकि उसमें वाटर आ जाएगा। वाटर क्रिस्टलाइन क्या है, कितना पानी है किसी भी सॉल्ट में, उसमें बोलेंगे वाटर क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कॉपर सल्फेट में 5 times वाटर है, तो इसकी क्रिस्टलाइजेशन क्या है, 5 times वाटर। जैसे सोडियम कार्बोनेट में 10 times वाटर। अब अदर सॉल्ट जो है जिनमें क्रिस्टलाइजेशन होती है, जैसे जिप्सम है, इसमें 2 molecules होते हैं वाटर के होते हैं। अब नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे जिप्सम को हम हीट करेंगे तो हमें क्या जिप्सम को अगर हीट करेंगे एट 373 केल्विन, ये वाटर को लूज करेगा और कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, हैमी हाइड्रेट, मतलब ये बन जाएगा, ये क्या बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं प्लास्टर के लिए, अगर किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाए उसको राइट पोजिशन पे लाने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वाइट पाउडर होता है, अगर पानी मिक्स करो तो ये जिप्सम बन जाता है और फिर से हार्ड हो जाता है। तो इसमें नोट दैट ओनली हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल शो टू अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इसमें से हाफ वाटर दिखता है, दिखाई जाता है एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाउ कैन यू गेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल, ये वो हाफ वाटर कैसे हो सकता है। इट इज रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज टू फॉर्मुला यूनिट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट शेयर 1 molecule वाटर, 2 calcium carbonate 1 molecule क्या करते हैं, शेयर करते हैं, मतलब हाफ इसका हाफ दूसरे का, मतलब आपस में जुड़े होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यूज करते हैं टॉयज बनाने में, मटेरियल डेकोरेशन के लिए, सरफेस को स्मूथ करने के लिए। तो ये एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कहते हैं, हेमी हाइड्रेट होता है ये।